बहुत खूबसूरत है। आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि किसी डिसेबल की जिंदगी कैसे खूबसूरत हो सकती है, या क्या कोई माजूर शख्स अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार सकता है ना? चलें, इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी है क्या। आपको कभी भी मौका मिले, घर में आप फ्री बैठे हों, आंखों को बंद करके मैसेज टाइप करने की कोशिश कीजिए, रंगों को तलाश करने की कोशिश कीजिए, हाथों को बांध के खाना बनाने की कोशिश कीजिए, अपने पाँव को बांध के मार्केट जाइए और रनिंग करते हुए वापस आइए। मुश्किल लगता है ना, बल्कि नामुमकिन लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता था आज से कई साल पहले, 2002-2003 में, when I was sighted। मैं ये कहती थी कि उफ, इसको तो नजर नहीं आता, इसकी जिंदगी तो बहुत बेरंग है, हाय बेचारा, चल नहीं सकता, कैसे मूव करेगा, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उफ अल्लाह, इनकी क्या आजमाइश है, इनकी आजमाइश दूर करना। लेकिन थोड़े ही लम्हों के बाद हम इन चीजों को छटक देते हैं, ऐसे ही ना, क्योंकि चमकता हुआ सूरज, लहलाते पौधे और रक्त करती हुई खूबसूरत तितलियां किसको अच्छी नहीं लगती। मुझे भी अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। बहुत से ख्वाब थे, कभी कहते थे कि डॉक्टर बन जाएंगे, फिर कहते आर्मी में चले जाएंगे, और फिर सोचा कि नहीं, एयर होस्टेस बन जाएंगे, नहीं यार, जहाज उड़ा लेंगे। सोचा कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। कहते हैं ना कि जब आप साइटेड होते हैं और जहीन होते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जब चमकता हुआ सूरज भी था, लहलाते पौधे भी थे, रक्स करती तितलियां भी थी, पर नहीं थी तो वो आंख नहीं थी, वो बसारत नहीं थी, वो विजन नहीं थी जो इन तमाम चीजों को देख सकती। क्योंकि एक हादसे ने एक 12 साल बच्ची की निगाह छीन ली और इसको गहरी अंधेरी खाई में फेंक दिया। अंधेरा, कुप अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यूं लगता था कब्र में चल रही है, सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी। लोगों की आवाजें सुनाई देती थी, खौफनाक आवाजें, दिल दहला देने वाली आवाजें। सुनते थे अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया है, क्या करती होगी, कैसे बोलती होगी, क्या खाती होगी। और जब खुद इस अंधेरी कब्र में आए तो एहसास हुआ कि अंधेरा कितना खौफनाक होता है, और इस अंधेरे से भर के लोगों के खौफनाक बातें। हाय मखदूम की बेटी तो अंधी हो गई, हाय हाय हाफिज बना दो, क्या करेगी पढ़ के, मरी जाती। किसी ने कहा कोई बात नहीं, माजूर हो गई है, माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगी, उसकी सजा। ऐसे बहुत सारे निश्चय चलने लगे। वैसे एक बात है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो जहाज नहीं उड़ा सकते, तो फिर वो भी तो डिसेबल हुए ना। कितने ऐसे लोग हैं जो समंदर में सब मरीन नहीं उड़ा सकते, तैर नहीं सकते, तो फिर वो भी तो डिसेबल हुए ना। उनके लिए जिंदगी क्यों नहीं बंद कर दी जाती, उनको दीवारों से क्यों नहीं चुनवा दिया जाता, क्यों, दे आर साइटेड। हम ऐसे मफरूजे क्यों कायम कर लेते हैं कि अब ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, तो इसको मर जाना चाहिए। हम ऐसे बिहेवियर्स क्यों रखते हैं जिंदगी में। इसी तरह के निश्चय मुझ पे ही चलाए गए। घबरा गई 12 साल की बच्ची, घबरा गई, उसे लगा कि अब क्या होगा, बचपना तो कहीं दूर जा सोया। सोचने लगी, और काश मेरे पास भी कोई सोहन परी होती, मैं छड़ी घुमाती, सारे काम हो जाते, कोई अनक वाला जिन आ जाता, मुझे फ्लाइंग कारपेट पे उड़ा के आसमान पे ले जाता। ऐसे बहुत सारी बातें लेके नानी माँ के पास पहुंची और कहा, नाना आप तो नमाज पढ़ते हो ना, नाना आप अल्लाह से कहो ना, मुझे मेरी निगाह दे दे नाना, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे ना करे ना ऐसे मेरे साथ। नाना ने कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बस आप नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मियाँ मेरी बेटी को सब कुछ देगा। मामा के पास गए, मामा मेरा भी दिल चाहता है मैं कुकिंग करूं, पर मैं कैसे करूं, हाथ जल जाएगा, कोई चीज मेरे ऊपर गिर जाएगी। मामा आपके सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे नजर नहीं आता, मैं चल नहीं सकता, मैं पढ़ूं कैसे, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। अब आपके लिए तो मैं एक महरूमी हूं ना, आप कहते थे आपका बच्चा आपके लिए भाई से फख्र है, लेकिन मामा अब ऐसा नहीं है, आपका ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लोग बातें करते हैं। मामा ने कहा, ये किसने कहा कि तुम मेरे लिए महरूमी हो, आप आज भी मेरे लिए बाई से फख्र हो। एक खूबसूरत शेर मेरे लिए लिखा, जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना,
जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे जमाना। पापा के पास गए, पापा जी यार आपके पास परी है ना, एक परी मुझे भी दे दो, मुझे परी जो है ना वो मुझे पढ़ना सिखाएगी, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मैं सारे काम कर लूंगा पापा जी, और फिर देखना कोई भी ये नहीं कहेगा कि मखदूम की बेटी अंधी हो गई, देखो सारा कुछ सही हो जाएगा। पापा ने कहा मेरी बेटी तो खुद परी है, एक खूबसूरत परी। मैंने कहा पापा कौन सी परी ऐसी होती है जिसकी आंखें ही नहीं होती, मैं तो अंधी परी हो गई फिर आपकी। पापा ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं। मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूंगा। पापा मैं पढ़ नहीं सकता, मैं अब कैसे पढ़ूंगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम ऑडियो कैसेट से पढ़ेंगे। पापा मैं पेपर कैसे दूंगा, कैसे लिखूंगा, मुझे तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे और राइटर आपका पेपर लिखेगा। कुछ इदारों के साथ रब्ता हुआ, तालीम का सिलसिला चल पड़ा। मैंने कहा पापा अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो मुझे चमकता हुआ सूरज भी नजर नहीं आता, तितलियां नजर नहीं आती, फूल नजर नहीं आता, तो मुझे तो रंग गए ना, मेरी तो जिंदगी बेनूर हो गई। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, टैप टैप टू सी, वियन आइस, सिल्वर प्लस और साथ ही साथ बी माई आइस की मदद से हम सारे रंगों को पहचान सकते हैं। वाओ पापा आपको पता है मैंने बेस्ट अवार्ड हासिल किया, पापा आपको पता है मैं कराटे चैंपियन विन करके आया हूँ, मामा मैंने खाना सबसे अच्छा बनाया, और पापा आपको पता है मैंने मुल्तान की हिस्ट्री में नाम बना लिया। पापा ने कहा यही तो मैं चाहता था, कोई ये ना कहे मखदूम की बेटी जा रही है या मखदूम की बेटी अंधी हो गई, मैं चाहता हूँ मैं जहाँ से गुजरूँ लोग कहें वो देखो राबेल पीरजादा के पापा जा रहे हैं, राबेल पीरजादा का फ़ख्र जा रहा है, मेरे मखदूम का फ़ख्र जा रहा है। कहते कहते ज़िंदगी खूबसूरत हो गई, देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कराटे चैम्पियन हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, मुल्तान की हिस्ट्री में नाम हो या लाइन्स क्लब का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म में अपने आप को मनवाया। अमेरिका की जानिब से शेरनी का खिताब मिला, प्रोफाइल 220 मुल्कों में चला गया, और लगा वाकई भाई मुझसे तो बड़ी परी कोई नहीं, पापा की परी। तो वेल एक दिन मैं एक प्रोग्राम में गई और वहाँ पे मैं बैठी, किसी ने आके पूछा, ऐसे ही प्रोग्राम था, फादर सामने बैठे थे और किसी ने कहा कि क्या खुशनसीब माँ बाप होंगे जिसकी ये बेटी स्टेज पे है। बाबा उठे, सर पे झुकाया और बोले कि ये मेरा फ़ख्र है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी परी है। फिर उन्होंने आए और मुझसे पूछा, वेल राबेल आप कहती हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो ये बताएं कि जिंदगी कैसी खूबसूरत है, और क्या आपकी तरह और तमाम लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं, इतनी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। बात बहुत आम सी थी लेकिन बहुत गहरी थी। घर गई, सोचा, आंखें बंद की और फिर सोचा किस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया। दिल ने कहा एजुकेशन, दिमाग ने कहा एजुकेशन, तालीम, बिल्कुल वही तालीम जो आपकी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है और हमारी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। मैंने स्किल सीखे, अपने मामा से कुकिंग करनी सीखी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखी, फैशन आर्ट सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो कॉन्फिडेंस किसने दिया, तालीम ने दिया। सोचा कुछ करना चाहिए, राबेल पे ज़्यादा चली गई दुनिया में तो ये स्लोगन ख़त्म हो जाएगा, ये स्लोगन ख़त्म होना नहीं चाहिए, लोग हमें देख के ना कहें बल्कि कहें वाओ ही इज़ और शी इज़ डिसेबल। क्या करना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, सारा फ्यूचर अपना क्विट किया, ऐसे इदारे के साथ काम किया जिस इदारे ने मुझे तालीम दे के मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई, वहाँ पे उन सब के साथ मिल के काम किया, लोगों को बहुत सारे हुनर सिखाए, किसी को फैशन आर्ट सिखाया तो किसी को कुकिंग सिखाई, किसी को पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट तो किसी को लाइवलीहुड। कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, साइकेट्रिस्ट बनेंगे और पता नहीं क्या क्या बनेंगे, लेकिन आज खुशी होने लगी कि थोड़े अरसे में हम सब ने अपनी टीम के साथ मिलके पाकिस्तान में 50,000 से जायद नाबीना लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। और जब एहसास हुआ कि वाकई ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लेके आए, दैट इज़ ट्रू लाइफ। जिंदगी बदलने लगी, लोगों की जिंदगी खूबसूरत होने लगी। अब हम नहीं वो कहते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं उसके दिमाग में होती है, आप निकाल के बाहर फेंक दें तो ट्रस्ट मी जिंदगी से ज़्यादा तो कुछ भी खूबसूरत नहीं।
आज मैं सोचती हूँ मुझे क्या बनना था, क्या मुझे डॉक्टर बनना था, या मुझे टीचर बनना था, या मुझे पायलट बनना था। आज मुझे इन सब सवालों का जवाब मिल गया। मुझे अपने वालदैन का फख्र बनना था, अपने असाज़ा का मान बनना था, अपने वेल विशर की नज़रों में अपने लिए मान देखना था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये सब पॉसिबल हुआ एक एजुकेशन की वजह से। आप सल्लम ने भी फरमाया है ना कि क्रैडल टू ग्रेव तालीम हासिल करो, इसके लिए चाहे तुम्हें चाइना तक ही क्यों ना जाना पड़े। और सुना था कि तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदका जारिया होती हैं, आप शजरकारी कर दें, किसी को पानी पिला दें, नहीं तो किसी की तालीम में उसकी मदद कर दें। ट्रस्ट मी, उसकी ज़िंदगी तो खूबसूरत होगी होगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में किस हद तक सुकून आएगा ये आप और मुझसे बढ़ के कोई नहीं जान सकता। एंड मैं सिर्फ इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा है उस शेर से वाइंड अप करूंगी। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। थैंक यू।